अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एमकेएस टेक्नोलॉजी क्या है? एमकेएस टेक्नोलॉजी तकरीबन 2019 में आई थी और चंद एक कंपनीज थी जिनमें एमकेएस ऑप्शन पाया जाता था और इनवरेक्स में पाया जाता था, और इसके बाद फ्रोनस के जो पुराने मॉडल के 6 किलोवाट के इन्वर्टर्स थे, इनमें भी एमकेएस था और काम भी करता है। PV6000 कई लोगों के पास है, उनमें एमकेएस काम करता है। इसी तरह PV7000 था पर्पल कलर का फ्रोनस का, उसमें भी एमकेएस काम करता है। इसी तरह से और भी कुछ चंद एक कंपनीज हैं जिनमें एमकेएस पाया जाता है। एमकेएस मोड हर कंपनी में नहीं पाया जाता, बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनीज के इन्वर्टर हैं लेकिन उनमें एमकेएस नहीं पाया जाता। अब बात करें फ्रोनस की प्लैटिनम सीरीज में, इसकी सारी सीरीज में एमकेएस पाया जाता है लेकिन काम ही नहीं करता। आप देखेंगे PV5200 में एमकेएस का ऑप्शन आएगा, आप देखेंगे इसकी जो बड़ा इन्वर्टर है PV7200 उसमें ऑप्शन आएगा लेकिन वो काम नहीं करेगा। हालांकि इससे पुराने जो इन्वर्टर्स थे, चाहे वो PV5000 था उनमें भी काम करता था, चाहे वो जो PV4000 था वो भी, उसमें भी एमकेएस था और काम भी करता था। तो ये जो नए मॉडल आए हैं ये इनमें एमकेएस काम ही नहीं करता। एमकेएस का फ़ायदा क्या है? एमकेएस का फ़ायदा ये है कि इसमें होता ये है कि दिन के टाइम सारा दिन जो आपका इन्वर्टर चल रहा होता है वो वापडा से शेयरिंग बिल्कुल नहीं करता, वापडा का एक भी यूनिट खर्च नहीं होता, वापडा सारा दिन नहीं चलती, किसी भी सूरत में नहीं चलती। अगर आपकी सोलर पावर 2000 वाट पैदा हो रही है, आपने 2500 वाट का लोड डाल दिया, तो एक्स्ट्रा 500 वाट जो है वो बैटरी से शेयर कर लेगा, बैटरी से ले लेगा और वापडा से बिल्कुल नहीं लेगा। जब वापडा से नहीं लेगा तो सारा दिन जैसे भी लोड ऊपर नीचे होता है तो वापडा बिल्कुल यूज़ नहीं होती, सारा दिन बैटरी चार्ज भी हो रही होती है हल्की हल्की और डिस्चार्ज भी हो रही होती है, तो इतनी देर नहीं लगती बैटरी की चार्जिंग को क्योंकि थोड़ा बहुत लोड ही ऊपर नीचे हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा लोड ऊपर नीचे हो रहा है, बैटरी के ऊपर आ रहा है, तो फिर आपको SUV मोड रखना चाहिए। तो अगर थोड़ा बहुत उसमें है तो फिर MKS मोड या फिर SBU मोड। अब SBU मोड में क्या प्रॉब्लम है? उसमें ये प्रॉब्लम है कि रात के टाइम वो बैटरी को बार बार चार्ज भी कर रहा होता है, हर 1-2 घंटे बाद डिस्चार्ज कर रहा होता है, फिर अगले 2 घंटे बाद चार्जिंग शुरू करता है, सारी रात ऐसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो के बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। बैटरी की वो कंडीशन नहीं रहती जो नई बैटरी की होती है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो एमकेएस मोड में क्या होता है, रात के टाइम टोटल उसने वापडा चलानी है और बैटरी को सिर्फ उसने उस टाइम यूज़ करना है जब लाइट ऑफ होती है, लोड शेडिंग की सूरत में बैटरी यूज़ होगी, अदरवाइज बैटरी को यूज़ नहीं वो करता। एमकेएस मोड का यही फ़ायदा है कि रात के टाइम टोटल वापडा चलेगी और बैटरी यूज़ नहीं होती, बैटरी जो है वो मुकम्मल चार्ज रहती है। लोड शेडिंग की सूरत में आप बैटरी से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और दिन के टाइम इसने टोटल शेयरिंग जो है बैटरी से करवानी है, तो ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके इन्वर्टर में भी एमकेएस मोड पाया जाता है तो आज ही अपने इन्वर्टर के ऑप्शन नंबर 1 में जाकर इसको सेलेक्ट करें, इसको यूज़ करें और इससे फ़ायदा उठाएं।